साहित्य ने सदैव समन्वय का कार्य किया है और कविता और साहित्य हमेशा समाज को जागरूक करते रहे हैं। यह विचार देश के वरिष्ठ साहित्यकार और कवि सत्यनारायण संतन ने समन्वय समिति देवास और कन्नौज साहित्य मंच के द्वारा कन्नौज में आयोजित 2 दिवसीय हिंदी दिवस समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने रामायण, कवितावली, तुलसीदास, सूरदास, विभिन्न कविताओं आदि के कई प्रसंग सुनाते हुए हिंदी साहित्य की महानता को प्रतिपादित किया। यह आयोजन समारोह में विद्यार्थियों की वाद विवाद प्रतियोगिता क्षेत्र तथा देश के विभिन्न भागों से पधारे हुए कवि समागम के द्वारा काव्य संध्या का आयोजन किया, जो देर रात तक चलता रहा। इस कार्यक्रम के अतिथि पूर्व विधायक श्री ब्रजमोहन धूत तथा पूर्व विधायक श्री कैलाश कुंडल थे, जिन्होंने हिंदी भाषा के सम्मान में ऐसे आयोजनों की महानता पर जोर दिया। वाद विवाद प्रतियोगिता के अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर भगवान सिंह चुंडावत तथा समाजसेवी गोविंद गर्ग थे। इस अवसर पर प्रदेश व देश के उपस्थित सभी कवियों की एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कवि कविता और डिजिटल युग। इस परिचर्चा में कवियों ने हिस्सा लेकर कई तर्क प्रस्तुत किए। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।